16 जनवरी से पूरे देश में लगेगा कोरोना का टीका। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। सेकंड राउंड में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले और दूसरी गंभीर बीमारियों वाले लोगों को टीका लगेगा। डिजिटल वैक्सीन वितरण प्रणाली के माध्यम से वैक्सीन के स्टॉक और वैक्सीन के भंडारण के तापमान की निगरानी की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वैक्सीन लगने की तारीख, वेरिफिकेशन और वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा 16 जनवरी को ऐतिहासिक कदम उठाएगा देश। एमपी में वैक्सीन ट्रायल के दौरान मौत का मामला, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा वैक्सीन से मौत नहीं हुई। हेल्थ मिनिस्टर बोले वैक्सीन लगने के बाद शख्स ने 48 घंटे तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, वैक्सीन को लेकर कोई गलत धारणा न बनाए। वॉलंटियर की मौत पर भारत बायोटेक का बयान, कहा डोज देने के 7 दिन बाद तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। भारत बायोटेक ने भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया, कहा जहर से मौत की बात सामने आई है, पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, साइड इफेक्ट की स्टडी के बिना ही कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। देश में एक दिन में कोरोना के 18,222 केस, 228 की बीमारी से मौत। देश में एक दिन में 19,253 लोग रिकवर हुए, एक्टिव केस 2,24,000 के पार। देश में अब तक 18 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए। एक दिन में 9,16,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 519 नए मामले, 12 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 646 नए केस। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,221। गुजरात में कोरोना के 675 नए मामले, 24 घंटे में 5 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 5,528 नए केस, 22 की मौत। आगरा में 30 साल बाद टूटी परंपरा, कोरोना की वजह से इस साल नहीं होगा ताज महोत्सव का आयोजन। दुनिया में कोरोना के 8,95,00,000 से ज्यादा केसेस, मौतों का आंकड़ा 19,25,000 के ऊपर। कोरोना के टीके को लेकर चीन का ऐलान, पूरे देश में फ्री वैक्सीनाइजेशन होगा। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए स्ट्रेन की एक और मरीज मिली, क्वारंटीन में रखी गई थी महिला। वर्धमान में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, बीजेपी के मेगा शो में उमड़ी भारी भीड़। मेगा शो के बाद जेपी नड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा प्रधानमंत्री किसानों की मदद कर रहे हैं लेकिन ममता तालाबंदी कर रही है। नड्डा बोले एक महीने में 6 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, पिछली बार डायमंड हार्बर आया तो गृह विभाग ने नोटिस ले लिया। बंगाल की धरती से नड्डा ने ममता को ललकारा, कहा बंगाल को मुसीबत में धकेला, आप लोग निजात पाना चाहते हैं। नड्डा बोले प्रशासन के राजनीतिकरण और राजनीति के अपराधीकरण से बंगाल की आम जनता त्रस्त है। बंगाल की संस्कृति पर नड्डा का बयान, कोयला चोर बालू चोर बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। रैली में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा क्या हुआ, इतना क्यों डरना। वर्धमान में रैली से पहले राधा गोविंद मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष, मंदिर में पूजा की। पूर्व वर्धमान जिले में जेपी नड्डा ने किसान की गाय को चारा खिलाया, खुद भी नड्डा ने किसान के घर पर खाना खाया। जेपी नड्डा ने शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान, मंच से किसानों को शपथ दिलाई। अभियान के तहत बंगाल के गांव-गांव घूमकर एक मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। वर्धमान में नड्डा ने किसानों से सीधा संवाद किया, बोले बंगाल के किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जेपी नड्डा ने विकास के काम गिनाए, बोले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मोदी सरकार ने लागू किया। नड्डा ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया, ममता ने किसानों की आवाज दबाई। गृहमंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, बंगाल की कानून व्यवस्था पर बात की। राज्यपाल ने बड़ा आरोप लगाया, कहा राज्य में अलकायदा का हो रहा है प्रचार प्रसार, बड़े पैमाने पर अवैध बम बनाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद धनखड़ ने 2021 के चुनावी साल को चुनौती भरा बताया, कहा बंगाल के पास छवि सुधारने का बेहतरीन मौका। धनखड़ बोले बिना हिंसा के बंगाल में चुनाव हो, सभी वोटरों को मिले संवैधानिक हक। ममता के आउटसाइडर वाले बयान पर बोले धनखड़, सभी माँ भारती के बच्चे हैं और हमें एकता पर भरोसा है। बंगाल चुनाव से पहले ओबीसी को बड़ा झटका, राज्य के पार्टी चीफ एसके अब्दुल कलाम ने ममता की पार्टी ज्वाइन की। लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग ने गृहमंत्री से मुलाकात की, विकास के मुद्दों पर बात हुई। भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, बोले बुआ ने बीज बोया, अखिलेश यादव ने सिंचाई की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल पूछा, आज योगी सरकार अपराध की जड़ें निकालकर फेंक रही है तो आप दुखी क्यों हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अंबाला में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, बोले 60 से ज्यादा किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री ने सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा। किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को राज्यों के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, राजभवन तक मार्च करेगी। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस ने 5 दशकों तक राज किया, किसानों के लिए कोई 3 काम बिना है। 12 जनवरी को नाशिक यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में होगा प्रधानमंत्री का संबोधन, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर हो रहा है फेस्टिवल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया आत्मनिर्भर भारत का नारा, कहा 2-2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार, जड़ से दूर भले हो गई हो नई पीढ़ी लेकिन जुड़ाव बढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया में सबसे मजबूत डेमोक्रेसी भारत में, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए उदाहरण। प्रधानमंत्री ने कहा चुनौतियों वाले साल में दुनिया भर में बसे भारतीयों ने अच्छा काम किया, देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय मूल के लोगों पर मजबूत हो रहा है भरोसा, दुनिया भर में एनआरआईज की प्रसिद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया, बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत ने दुनिया को राह दिखाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह में हिस्सा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति बोले गांधी जी के आदर्शों को याद करने का अच्छा मौका है। राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, ट्वीट करके कहा मोदी सरकार का ऐतिहासिक विकास, GDP -7.7%, प्रति व्यक्ति आय भी -5.4% और बेरोजगारी दर 9.1%।
सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेगी कमेटी। कमेटी में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को जगह सूचना प्रसारण मंत्री और संस्कृति मंत्री भी शामिल। उच्च स्तरीय कमेटी में पश्चिम बंगाल के गवर्नर और मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल। ओडिशा के सीएम और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम। लद्दाख में चीनी सैनिक ने पार की LAC, भारतीय जवानों ने पकड़ा। चीनी सैनिक ने रास्ता भटकने का बहाना बनाया। भारतीय सेना ने चीन की सेना को जानकारी भेजी। भारत की एक और कूटनीतिक जीत। चीन में फंसे 23 नाविक 14 जनवरी को वापस देश लौटेंगे। दिल्ली के औरंगजेब लेन में साइन बोर्ड का नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, 11 को हिरासत में लिया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा का बजट राज्य में दोगुना किया गया। मनरेगा का सालाना बजट 15,000 करोड़ किया गया। गाँव में ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़ेंगे। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर अजीत सिंह की हत्या के बाद 10 SHOs का फेरबदल, रूटीन चांस पर बताया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने MP के CM शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, मुख्यमंत्री आवास पर बात हुई। भोपाल में कंगना ने दिया बड़ा बयान, कहा महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सऊदी अरब की तरह चौराहे पर लटकाया जाए। यूपी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू, गृह विभाग ने नोटिफाई किया। मुंबई ने एंटी नार्कोटिक सेल की कार्रवाई, ड्रग सप्लायर से 15 लाख का नशीला पदार्थ बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने 2 किलो से ज्यादा संदिग्ध हेरोइन बरामद की। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में टास्क फोर्स की कार्रवाई, एक लॉरी से 1 टन से ज्यादा गांजा बरामद। केरल, राजस्थान, MP, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात और यूपी में बड़े बर्ड फ्लू के मामले, सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बर्ड फ्लू पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, पशु पक्षियों से इंसानों में संक्रमण नहीं फैलता, इसलिए डरने की बात नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बर्ड फ्लू पर जानकारी दी, 104 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे, अब तक एक भी मामले की पुष्टि नहीं। दिल्ली में पक्षियों की मौत पर बोले केजरीवाल, रैपिड रिस्पांस टीम कर रही है कार्रवाई। दिल्ली में जीवित पक्षियों के आयात पर बैन, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, ऑसकास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 का पार्क, हस्तसाल लेक और संजय लेक बंद। गुजरात के जूनागढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप, 4 कौवे मृत पाए गए। राजस्थान में 356 पक्षियों की मौत, अब तक राज्य में कुल 2,512 पक्षियों की मौत हुई। महाराष्ट्र के भंडारा में जिला अस्पताल में दर्दनाक हादसा, अस्पताल में आग की वजह से 10 नवजात बच्चों की मौत, 7 बच्चे बचाए गए। भंडारा अग्निकांड पर महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे का बयान, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट के आदेश दिए, 2 महीने में पूरा होगा काम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने भी बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, बच्चों के परिजनों को 5 लाख की मदद दी जाएगी। भंडारा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया, कहा आग में हमने कई कीमती जीवन खोए। गृहमंत्री अमित शाह ने अस्पताल की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद लापता हुआ विमान, 62 पैसेंजर सवार थे। एक लोकल कमांडर ने जावा के पास समंदर में मलबा मिलने का दावा किया। उड़ान के बाद बोइंग विमान का संपर्क टूट गया था। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग, 6 लोग झुलसे। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी अदालत ने जैश ए मोहम्मद शेख मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का बयान, अगर ट्रंप इस्तीफा नहीं देंगे तो महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा। अमेरिका की चुनी गई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई, कहा कोरोना ने इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ी। कासिम सुलेमानी पर अमेरिका को चेतावनी देने के बाद पारस की खाड़ी में ईरान ने नौसेना परेड के जरिए ताकत दिखाई। फिर अमेरिका से उलझे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, संसद में भाषण के दौरान अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। कुछ फोर्स की ओर से हमले के खतरे को देखते हुए इसराइल ने दक्षिणी सीमा पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए। रूस के साइबेरिया में एवलांच से तफरा तफरी, 3 की मौत, बर्फ के नीचे से कई शव निकाले गए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भारी बर्फबारी से मुसीबत, कार, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट और लोगों के मकान तक बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच स्पेन में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, बर्फ में फंसी कई गाड़ियों को बाहर निकाला गया। और सिडनी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणी, टीम इंडिया ने दर्ज कराई शिकायत।